नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। TV20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसी वर्मा टावर नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा, और मोबाइल नंबर है 94-15-20-77-28। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिनसेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ जनपद के नामदारपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए सारी तैयारियां अंतिम दौर में है। जनसभा स्थल पर ADG जोन वाराणसी, IG, SP, DM सहित सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे और अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 3 बजे जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे। इसके लिए सभी तैयारियां अंतिम दौर में है। मंच व लोगों के बैठने के लिए टेंट व कुर्सियां लगाई जा चुकी है। मंच के बगल में गृह मंत्री व सीएम की ठहरने की व्यवस्था है। गृह मंत्री व सीएम जनसभा स्थल पर आने के बाद हरिहरपुर गांव का दौरा कर हरिहरपुर घराने के लोगों से मिलेंगे, उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री व सीएम 4,567 करोड़ की 115 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे, जिसमें करीब 22 करोड़ की लागत से हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की आधारशिला भी रखेंगे। जनसभा स्थल पर आज पूरे दिन आलाधिकारी जमे रहे, पुलिसकर्मियों व अधिकारियों को ब्रीफ किया जाता रहा। इस दौरान जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री व सीएम करीब 3 बजे जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे। करीब 4,567 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि हरिहरपुर गांव का भी भ्रमण करेंगे और हरिहरपुर घराने के कलाकारों से भी मिलेंगे। ADG जोन वाराणसी राम कुमार जनसभा स्थल से लेकर हरिहरपुर गांव तक गृह मंत्री व सीएम का कार्यक्रम है, जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स उपलब्ध है। जनपद के अलावा दूसरे जिले से भी अधिकारी व पुलिस फोर्स को सुरक्षा में तैनात रहेगी। सभी को ब्रीफ कर दिया गया है। गृह मंत्री व सीएम करीब 2 घंटे तक जनपद में रहेंगे। वहीं आज से ही जनसभा स्थल के 10 किलोमीटर परिधि में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्या तैयारियां की गई हैं, क्या ब्रीफ किया गया? कल माननीय यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो आ रहे हैं। क्योंकि करीब 2 घंटे का प्रोग्राम है और यहाँ जो जनसभा स्थल है यहीं पर हेलीपैड भी है और यहाँ से जाकर के हरिहरपुर जाएंगे, वहाँ पर भी उनका छोटा सा प्रोग्राम है, गांव में भ्रमण करेंगे, उसके बाद वो आकर के दोबारा यहाँ आएंगे, फिर जनसभा को संबोधित करेंगे और शिलान्यास करेंगे जो म्यूज़िक कॉलेज है उसका। तो उनकी पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है, हमने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। बाहर से काफ़ी अधिकारीगणों को बुलाया गया है, PAC और साथ ही अन्य जो फोर्स है, सशस्त्र बल है, उसको ड्यूटी लगाई गई है। कारकेट इत्यादि की सभी व्यवस्था की गई है और जनसभा स्थल पर भी हम लोग पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगा रहे हैं। सर, क्या टाइमिंग है, कितना बताया गया? और टाइमिंग करीब 3:30 बजे उनका प्रोग्राम है, 4:15 बजे के आसपास है करीब प्रोग्राम, और 5:30 बजे तक उनका प्रोग्राम रहेगा इस पूरे एरिया में। सर, टोटल कितनी फोर्स लगाई गई? टोटल फोर्स आपको SP साहब बता देंगे, लेकिन पर्याप्त फोर्स है क्योंकि काफ़ी जगह डिवाइडेड है, तो सब जगह अलग अलग मात्रा में, और गजेट ऑफिसर्स भी लगाए गए हैं और साथ में जो सशस्त्र बल है वो अच्छा खासा लगा है। ठीक है, थैंक यू। कार्यक्रम से शिलान्यास होना है, क्या तैयारी की गई है? कल माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ग्राम हरिहरपुर में हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय की वहाँ पे शिलान्यास किया जाएगा, और उसके साथ साथ फिर जो सभा स्थल है यहीं पर जल जीवन मिशन के मतलब लगभग 4,200 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। इसके अतिरिक्त कुल मिलाकर 151 और परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। महाविद्यालय की अनुमानित लागत लगभग 22 करोड़ है। सर, गांव में भी जाने का प्लान है उनका? हरिहरपुर गांव का वो थोड़ी देर के लिए भ्रमण भी करेंगे और वहाँ जो संगीतज्ञ हैं उनसे मिलेंगे भी। सर, क्या टाइमिंग क्या है आने की? 3:35 पे आ जाएंगे। थैंक यू।